हेलो दोस्तों, आप सभी को गुलाब जामुन जैसी मीठी मीठी नमस्कार। और उसी के साथ आप लोगों का स्वागत है मार्केट के पैचअप या ब्रेकअप शो में। अगर हम फ्राइडे के दिन एफआई और डीआई डाटा की बात करते हैं, तो एफआई ने 800 करोड़ की बाइंग करी है, वहीं पर डीआई ने 680 करोड़ की बाइंग करी है। नेट में एक बाइंग का फिगर फिर से बड़ा फिगर है, जो हमारे लिए और मार्केट के लिए पॉजिटिव होने वाला है। और उसी के साथ साथ अब तो मार्केट सीधा पहुंच चुका है अपने लाइफ टाइम हाई के पास, जहां पर हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। लेकिन उससे पहले हम कुछ स्टॉक्स को स्टडी करते हैं। तो सबसे पहला स्टॉक हमारे पास आ जाता है जीई शिप, यानी कि ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग। अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, जहां पर आप देख सकते हो इसने प्यारा कप बनाया, फिर हैंडल बनाया और फिर ब्रेकआउट दे चुका है। ब्रेकआउट का लेवल होता था 742 का, जहां पर हमें ब्रेकआउट देखने को मिला एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। अब अगर हम इसमें बात करते हैं, ब्रेकआउट रिट्रेस करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारे पास इंपोर्टेंट सपोर्ट आ जाती है 711 से 682 की रेंज, जहां पर हम इस रेंज में इस स्टॉक को स्टडी कर सकते हैं। और उसी के साथ साथ नेक्स्ट स्टॉक होने वाला है IRCTC, काफी लोगों का ये पसंदीदा शेयर होने वाला है, जिसे हम काफी टाइम बाद डिस्कस कर रहे हैं। और अब अगर हम इस स्टॉक की बात करते हैं, तो ये हम इसमें अगर पुराने चार्ट खोलने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दे दिया है 660 के लेवल, और एक अच्छे वॉल्यूम के साथ हमें देखने को मिला, और ब्रेकआउट देने के टाइम पर भी एक अच्छे वॉल्यूम हमें देखने को मिला, तो इमीडिएट ये हमारे फोकस में आ गया है। और अगर हम इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट की बात करते हैं, तो 645 की हमें इसमें इंपोर्टेंट सपोर्ट देखने को मिल रही है। ये स्टॉक अब हमारे पास ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव, शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव नोटिस में रह सकते हैं, जिसे हम स्टडी कर सकते हैं। अब अगर हम निफ्टी की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप लोगों के साथ पुरानी बातें हुई है और हमें अब तक 20 ट्रेड्स मिल चुकी हैं, जहाँ पर हमारा सिर्फ 3 जगह पर स्टॉप लॉस सेट हुआ है। अब अगर हम कल के दिन यानी कि फ्राइडे के दिन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक ट्रेड मिली जहाँ पर हमारे लेवल्स के पास आया, और वहाँ से एक छोटी सी मूवी हमें यहाँ पर देखने को मिली है, मतलब कि एक ऐसी मूव थी जो हमारे लिए सेटिस्फाइड नहीं थी, और फिर से जहाँ पर आया एक बार, दो बार, और यहाँ से भी एक छोटी सी मूव मिली। अब बार बार इस रेंज पर ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा था सेम डे पर, और जब ऐसे टाइम पे थर्ड टाइम पे निकलने की कोशिश करते हैं, तो वो ईजिली निकाल जाता है। तो हमें इस चीज़ को सीखना पड़ेगा कि अब ये जो रेजिस्टेंस था वो वीक हो चुका था, और अगर हमारी यहाँ पर पुट में एंट्री, तो हमें यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस जो होता है वो पोस्ट प्राइस ही रखना पड़ेगा। और जैसे इसको निकला और वहाँ पर हमारे पास एक कैंडल भी ऊपर की साइड की बन चुकी थी, तो ये हमारे लिए बन चुकी थी स्पॉट, और वहाँ पर हमारे पास ये फोकस में आ चुका था, और वहाँ से हमें इमीडिएट एक ब्रेकआउट भी देखने को मिला, तो ये हमारे लिए थर्ड जो एक ट्रेड थी वो सक्सेस हो चुकी थी। मतलब कि अगर हम बात करें हमारी यहाँ पर एंट्री हुई, अगर हमने चलो यहाँ पर ट्रेड भी चेंज नहीं करी है, तो हमने स्टॉप लॉस भी मान लिया, उसके बाद हमें यहाँ पर एक अच्छी मूवी मिल चुकी है। फिर भी हम आपके लिए, क्योंकि हम तो बिल्कुल ही परफेक्टली वो काम कर रहे हैं कि जहाँ पर अगर हमारा स्टॉप लॉस नहीं भी हो रहा, तो हम उसको भी स्टॉप लॉस लेके मार लें। तो निफ्टी में हमारा स्टॉप लॉस हमने मान लिया है, हालांकि वो हमारा कॉस्ट प्राइस पर ही एग्जिट हो चुका था। इसी के साथ साथ जहाँ पर 22nd ट्रेड भी हमारे पास जनरेट हो चुकी थी, मतलब कि अब तक हमारी 22 ट्रेड में से सिर्फ 4 में हिट हुआ है स्टॉप लॉस, लेकिन उस स्टॉप लॉस का तभी फायदा है अगर हम उसको ले रहे हैं। अब अगर हम कल के लिए निफ्टी की बात करें, तो सिंपल सी बात है, ये हमारे पास है लाइफ टाइम हाई का रेजिस्टेंस। अगर इसको निकलता है, मतलब कि हो सकता है कल इस लेवल के ऊपर ही खुले, अब इसके ऊपर हमारे पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होने वाला है, तो इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा। वो मार्केट तय करेगी इसके ऊपर मार्केट कौन सा रेजिस्टेंस बनाती है, तो क्या हमें यहाँ पर शॉर्ट का मौका मिलेगा इस लेवल पे अगर पहुँचता है, या इसके ऊपर नहीं निकलता है। हो सकता है कि एक नीचे की साइड हल्का सा मूव देने की कोशिश करे 30-40 पॉइंट का, तो अगर हम उसे यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पर्सनली मैं अब इस जगह पर मार्केट को शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करूंगा कल के लिए, लेकिन अगर मार्केट कल के लिए हमें इस लेवल पर मिलता है 18,800 के पास, तो ये हमारे पास इमीडिएट फोकस में आ जाएगा, और जहां पर अगर मार्केट पहुंचता है, तो हम यहां पर अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉल में एंट्री बनाकर, जहां से हमें सीधा 18,900 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। इस लेवल के पास ही ये हमारे पास नोटिस में रहेगा, अदरवाइज 18,900 पर मैं पहले शॉर्ट नहीं करूंगा, लेकिन हाँ, अगर ऊपर की साइड अच्छा खासा निकल कर फिर 18,900 को तोड़कर नीचे को आता है, तब वहां पर हम शॉर्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कि अगर हम बात करते हैं, तो उससे पहले मैं डायरेक्टली सीधा 18,900 पर शॉर्ट करने की कोशिश नहीं करने वाला हूँ। लेकिन जितनी भी चीज़ें हमने आप लोगों के साथ डिस्कस की हैं, वो सिर्फ एजुकेशन, लर्निंग और केस स्टडी परस्पेक्टिव होने वाली है, जहाँ पर किसी भी तरीके कोई भी इन्वेस्टमेंट टिप या एडवाइस नहीं दी गई है। अगर फिर भी आपको ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करने, तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ कर काम कीजिएगा। तो देवी और सज्जन, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।